नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे थ्रोटल पोजीशन सेंसर काम कैसे करता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर क्यों लगाया जाता है, उसे कहां पे लगाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का है और वो काम कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं नेसेसिटी से। तो मॉडर्न फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है वो कैलकुलेट करने के लिए थ्रोटल पोजीशन जाननी ज़रूरी होती है। तो उसी पोजीशन को जानने के लिए लगाया जाता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। तो अब बात करते हैं सेंसर के लोकेशन की। तो थ्रोटल बॉडी के अंदर थ्रोटल वाल्व के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर को। तो अब बात करते हैं सेंसर के कंस्ट्रक्शन की। तो थ्रोटल वाल्व के ऊपर सेंसर की नीडल डायरेक्टली माउंट की हुई होगी और नीडल के साथ होगा एक रेजिस्टिव वायर एलिमेंट। अब ये चीज़ क्या है कि अगर इस वायर के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप रेजिस्टेंस मेज़र करते हो तो हर एक पॉइंट के ऊपर आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मेज़र होगा। अब जो नीडल है उसे और रेजिस्टिव वायर एलिमेंट है उसे, उन दोनों को ECU के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया होगा और रेजिस्टिव वायर की सर्किट कंप्लीट करने के लिए उसे अर्थ कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं सेंसर के वर्किंग की। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो रेजिस्टिव वायर एलिमेंट है उसके अंदर बहुत ही कम करंट फ्लो करवाएगा, वो करंट नीडल के अंदर जाएगा और नीडल का कनेक्शन वापस ECM के साथ होने पर वो सर्किट कंप्लीट कर देगा। अब जब भी थ्रोटल वाल्व क्लोज होगा, यानी कि आपने एक्सेलेरेटर पेडल को नहीं दबाया हुआ होगा, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा और जो आउटपुट करंट या फिर रिटर्निंग करंट है वो बहुत ही कम होगा। अब जब आप पेडल को प्रेस करेंगे तो जो थ्रोटल वाल्व है वो ओपन होगा और जो नीडल है वो रेजिस्टिव वायर एलिमेंट के ऊपर स्लाइड होगी, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और आउटपुट करंट बढ़ जाएगा। तो करंट और थ्रोटल वाल्व की जो पोजीशन है उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन बन जाएगा। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल करंट को मेज़र करके थ्रोटल वाल्व की पोजीशन का पता लगा लेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।